आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नॉन कंटीजियस एलोकेशन। तो इससे पहले हम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो कंटीजियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या होगा कि मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो कंटीजियस नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो मेमोरी के अंदर कुछ किसी जगह पे पड़ा होगा, कुछ किसी जगह पे पड़ा होगा, ठीक है। कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक में जो है हमारा प्रोसेस नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके हमारे पास कुछ फायदे होंगे, जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने MFT की बात की थी, तो उसमें हमारे पास क्या था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मसला आ रहा था, ठीक है। और इसी तरह से जब हमने MVT की बात की, तो वहां पे हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये मसाइल जो हल करने के लिए हमारे पास जो है वो नॉन कंटीजियस एलोकेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो नॉन कंटीजियस एलोकेशन जो है हमारे पास दो तरह की होती है, पेजिंग, और सेकेंड वन जो है वो है हमारे पास सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं पेजिंग के बारे में। तो पेजिंग जो है ये आप देख लें कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास टेक्निकल आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल हो सकता है वो मैं आपके ये कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवा दूं। तो इसमें पेजिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमारा प्रोसेस होता है, उसको छोटे छोटे जो है वो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है। अब हर हिस्सा जो है हमारे पास, जो हमारा एक प्रोसेस ने एड्रेसिनेट करना है, तो उसका हर एक हिस्सा जो है हमारा जो लॉजिकल एड्रेस होता है, उसका हर हिस्सा जो है वो हमारे पास एक पेज कहलाता है, ठीक है। और जो हमारी मेन मेमोरी होती है या फिजिकल जो हमारी मेमोरी होती है, उसको भी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। और ये हिस्से जो है हमारे पास मेमोरी के जो है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास फ्रेम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जब हम लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, पेज कहलाएगी, ठीक है। जबकि जब हम फिजिकल मेमोरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बोला जाएगा, इसे फ्रेम बोला जाएगा, एक चीज। दूसरा, आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास पेज का साइज और फ्रेम का साइज जो है वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। पेज का साइज और हमारे पास क्या होगा, फ्रेम का साइज हमारे पास क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। अब जैसे कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेसिस जो है वो आपको नजर आ रही है। तो ये अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, तो ये वाला जो मेरा प्रोसेस है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा 0 से लेके 7 तक 8 पेजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारी फिजिकल मेमोरी है, उसमें हमारे पास क्या है, 16 फ्रेम्स जो है वो हमारे पास मौजूद है 0 से लेके 15 तक। तो अब हमारा क्या होगा, ये कोई ना कोई पेज जो है हम क्या करेंगे, किसी ना किसी फ्रेम के अंदर रख देंगे, ठीक है। हो सकता है कि हमारा, जैसे कि ये वाला जो 0 पेज है, हो सकता है कि वो यहाँ पे फ्रेम नंबर 2 के अंदर पड़ा हो, पेज नंबर 1 जो है हो सकता है हमारा फ्रेम नंबर 15 के अंदर पड़ा हो, इसी तरह से पेज नंबर 2 जो है यहाँ पे किसी और फ्रेम के अंदर पड़ा होगा। तो इस तरह से हमारे पास एलोकेशन जो है वो कंटीजियस नहीं हो रही, बल्कि हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन जो है हमारे पास की जा रही है। अब हमने ये रिकॉर्ड रखना है कि हमारा कौन सा पेज कौन से फ्रेम के अंदर लोड किया गया है। तो ये जो रिकॉर्ड जो है, इसके लिए हमारे पास जो है फिर क्या इस्तेमाल होगा, पेज टेबल हमारे पास इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, या जहाँ पे हमारे पेज के पेजेस बनाए गए हैं, ठीक है, और ये हमारे फ्रेम्स बने हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है दरमियान में क्या आ जाएगा, पेज टेबल आ जाएगा। पेज टेबल का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें कि हमारा कौन सा पेज जो है वो मेमोरी के कौन से फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होंगी, यहाँ पे ये जो पेज टेबल का इंडेक्स है वो हमारे पास क्या होंगे, ये पेज नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास पेज नंबर है ये वाले, और ये जो इसके हमारे पास वैल्यूज होंगी इस टेबल की, वो हमारे पास क्या होंगे, फ्रेम के नंबर होंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि हमारा जो पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 0 हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 3 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है हमारा कहाँ पे पड़ा होगा, इस फ्रेम के अंदर। ये मजीद जो है इसको हम इन डेप्थ थोड़ी देर में देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पेज नंबर 1 कौन से फ्रेम पर पड़ा हुआ है, 9 फ्रेम पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से पेज 2 जो है वो कहाँ पे पड़ा होगा, किसी पेज 11 के ऊपर जो है यहाँ पे कहीं पड़ा होगा। और इसी तरह से पेज 7 जो है वो कहाँ पे पड़ा होगा, हमारे 1 पर पड़ा होगा। तो इस तरह से ये जो पेज टेबल है, ये हमारी हेल्प करेगा, मैपिंग करवाएगा एक तरह से, कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पेज जो है फ्रेम में कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा के फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम। तो हमारे पास
अब फिजिकल मेमोरी को फ्रेम में हम तकसीम करते हैं, एंड लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज। तो ये बहुत बहुत अहम है कि फ्रेम का साइज और जो हमारा लॉजिकल मेमोरी है उसको जब हम तकसीम करते हैं तो पेजेस बनाते हैं, तो पेजेस और फ्रेम का साइज हमारे पास सेम होगा। ये चीज जहन में रखनी है आपने। द साइज ऑफ पेज इज पावर ऑफ टू। तो हमारे पास पेज का साइज जो है उसको आमतौर पर हम क्या करेंगे, पावर ऑफ टू में लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। द टिपिकल पेज टेबल टेबल साइज इज लाइंग बिटवीन 1 KB एंड 16 KB। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका साइज हमारे पास आमतौर पे क्या हो सकता है, इसका साइज हमारे पास हो सकता है 1 KB से लेके 16 KB के दरमियान हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो कल मैंने एक ग्रुप के अंदर सेंड किया था, वहां से आपने देखा होगा कि 1 K या 1 KB जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक है, तो 1K को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 करके हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 M या 1 MB जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फ्री फ्रेम्स। तो जितने भी फ्री फ्रेम है उनका भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रन द पेज प्रोग्राम ऑफ साइज n पेजेस वी फाइंड n फ्री फ्रेम्स एंड लोड प्रोग्राम पेजेस इन टू द फ्रेम। तो हमारे पास अगर n पेजेस हों तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे कि हमारे पास n फ्रेम मौजूद हैं और उन फ्रेम्स में हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोसेस के पेजेस को लोड कर देंगे। इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम्स पेज इन द मेन मेमोरी पेज टेबल इज यूज। तो फिर हम क्या करेंगे, पेज टेबल जो है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, तो आपका लॉजिकल एड्रेस जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहला होता है आपका पेज नंबर और दूसरा होता है पेज का ऑफसेट, जिसको पेज डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है और इसको डी से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो पेज नंबर की तो हमें बात समझ में आ रही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट से क्या मुराद है। ठीक है, तो बिलफर्ज ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है और इसके अंदर आपने क्या किया है, 3 पेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हर पेज जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे बिलफर्ज 4 लोकेशन पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पेज नंबर 0 है, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये आपका पेज नंबर 2 है। अब हर एक के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 आपके पास क्या बनी हुई है, लोकेशंस या 4 बाइट्स है आपके पास। पहली बाइट में ए पड़ा हुआ है, दूसरे में बी, तीसरी में सी और इसी तरह से चौथी में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास पेज के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि पेज 0 जो है उसकी मुझे सेकंड जो है वो ऑफसेट बताएं या सेकंड डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो आप मुझे बताएंगे कि पेज नंबर 0 का जो सेकंड है ये 0, ये 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता है। ठीक है, हम 0 से गिनती शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट पे क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, पेज का नंबर, जैसा कि इस केस में हमारे पास पेज नंबर 0 था, और पेज ऑफसेट या जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है वो भी दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। वो हमारे पास कौन सी दो चीजें हैं, वो हमारे पास है एक आपके पास एफ होता है और दूसरा आपके पास डी। तो एफ से हमारे पास क्या मुराद है, एफ हमारे पास होता है फ्रेम का नंबर और डी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। ये वही डिस्प्लेसमेंट है जो हमने यहाँ पे जो है वो जनरेट की है। ठीक है, तो हमारा लॉजिकल एड्रेस किन दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, लॉजिकल एड्रेस जो है वो हमारा मुश्तमिल होगा पी और डी पर, पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट पर, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो हमारा मुश्तमिल होगा एफ और डी पर। ठीक है, तो पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ये फ्रेम नंबर और डिस्प्लेसमेंट के पर ये मुश्तमिल होगा। अब ये वाली जरा डायग्राम देखें ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास है कि हमारे पास कौन कौन सा हार्डवेयर जो है वो यूज होता है। तो हमारे पास जो मेन हार्डवेयर जो यूज होगा वो हमारे पास पेज टेबल है। ठीक है, तो पेज टेबल जो है वो हमारे पास एज अ हार्डवेयर जो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारा सीपीयू जो है वो क्या करेगा, कोई ना कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। तो अभी अभी मैं बात करके आया हूँ, लॉजिकल एड्रेस दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज टेबल है, मैं पीछे ही बात करके आया हूँ कि इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, हमारे पेज नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगे होंगे, पेज नंबर लगे होंगे। जैसे ये 2 है तो इसके बाद हमारे पास है इसी तरह से 3 और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके जो हमारे पास कंटेंट होगा वो हमारे ये जो फ्रेम नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास पड़े होंगे। ठीक है, तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से जारी करेगा जो कि हमारा लॉजिकल एड्रेस कहलाएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे
पेज टेबल के अंदर और देखेंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई पेज नंबर है, वो पेज नंबर हमारे पास किस फ्रेम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से फ्रेम नंबर उठाएंगे और उसके साथ ये वाली डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल में लेके चलता हूँ, वहां पे जाके इंशाल्लाह जो है वो आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो मैं थोड़ी सी नॉन टेक्निकल जो बातें हैं वो करता हूँ, फिर हमारे पास एक टेक्निकल यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास एक प्रोसेस मौजूद है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका प्रोसेस है ये आपके पास चार पेजेस पर मुश्तमिल है। ये आपका पेज नंबर 0, ये आपका पेज नंबर 1, ये आपका पेज नंबर 2 और ये आपका पेज नंबर 3। तो 0 से लेकर 3 तक हमारे पास क्या है, चार पेजेस मौजूद हैं। और इसी तरह से ये आपकी फिजिकल मेमोरी है, तो फिजिकल मेमोरी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने फ्रेम है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 8 जो है कि हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे, हमारे पास 8 जो है हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम ये जो पेजेस हैं इनका रिकॉर्ड जो है हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लें कि हमारा हर पेज जो है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट्स मौजूद हैं, उसमें 4 डिस्प्लेसमेंट मौजूद हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली डिस्प्लेसमेंट, दूसरी और ये तीसरी और फिर हमारे पास चौथी, ठीक है, यहाँ तक ये चौथी। हर एक पेज के अंदर हमारे पास जो है 4 लोकेशन मौजूद हैं, 4 डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि जी मुझे बताएं कि पेज नंबर, यहाँ पे मैं कोई एड्रेस जो है वो जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीपीयू जो है बिलफर्ज उसने कोई एड्रेस जो है हमारे पास जनरेट किया पी और डी। तो पी जो है उसने बिलफर्ज हमारे पास रखा है 0 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसने क्या रखी है हमारे पास 3 रखी है, ठीक है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ये वाला जो डाटा है वो हमारे कहाँ पे जो है वो स्टोर किया गया है। तो ये जो है ट्रेस करने में पेज टेबल हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारा जो पेज टेबल है उसका जो इंडेक्सिंग करेंगे वो हम क्या, हमारे पास क्या होंगे, ये जो हमारे पेज नंबर है 0, 1, 2, 3, तो ये 0, 1, 2, 3 और ये पेजेस हमारे कहाँ कहाँ पे लोड है। तो ये पेज हमारा 0 जो पेज है वो कहाँ पे लोड किया गया है, उसको फ्रेम नंबर 5 के अंदर जो है वो लोड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो फ्रेम नंबर 5 है वहां पे हमारा पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ से ट्रेस हो जाएगी। इसी तरह से पेज नंबर 1 जो है वो हमारा फ्रेम नंबर 6 पर पड़ा हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह से पेज नंबर 2 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 2 जो है फ्रेम नंबर 1 में पड़ा हुआ है। और पेज नंबर 3 जो है वो कहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, पेज नंबर फ्रेम नंबर 2 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास फिजिकल एड्रेस जो है वो क्या जनरेट किया गया है, वो हमारे पास 0, 3 जो है वो जनरेट किया गया है। तो 0 क्या है, हमारा पेज नंबर है। तो पेज नंबर 0 जो है वो यहाँ से हम आके देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पेज नंबर 0 जनाब हमारे पास पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 5 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम नंबर 5 के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी है जारी की गई है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे 0 से गिनती शुरू करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास डी जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसने क्या जनरेट किया, इसने हमारे पास पी एंड डी जो है वो जनरेट किया। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने क्या ढूंढा, अपना पी ढूंढ लिया, ठीक है। और पी ढूंढने के बाद हमारे पास जो है दूसरी चीज जो है जनरेट की गई थी वो हमारे पास क्या था, डी था, ठीक है। तो यहाँ से हमने पेज जब ढूंढ लिया तो फिर हमने क्या किया, ये फ्रेम नंबर यहाँ से उठा लिया और यहाँ से मिलाया डी को, और जहां पे भी हमारी लोकेशन थी वहां पे हम आ गए, ठीक है। और वहां पे आके जो मुतलका हमारी मालूमात थी वो हमें मिल गई कि कौन से फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एफ एंड डी, मतलब हमारे फिजिकल एड्रेस के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था इसका, क्या कहते हैं, पेजिंग का। तो इसमें हमने देखा है कि किस तरह से हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, पेज टेबल के क्या मकासद है हमारे पास, और फ्रेम्स जो है उनमें किस तरह से जो है वो पेज टेबल की मदद से हम जो है अपना जो है वो डाटा निकालते हैं या हमारा सिस्टम जो है वो डाटा निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पेजिंग इट्सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रिलोकेशन
when we use a paging scheme, we have no external fragmentation. However, we have internal fragmentation. तो हमारे पास यहाँ पे आपने जस्ट याद रखना है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है हमारे पास हो सकती है, और वो भी कहाँ होगी, हमारा जो आखिरी फ्रेम है उसके अंदर. तो ये चीज अहम है, इसको माइंड में रख लेना है आपने कि हमारा जो पेजिंग है इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है थोड़ी बहुत, और वो भी हमारे आखिरी फ्रेम के अंदर. एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेजिंग इज द क्लियर सेपरेशन बिटवीन द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एंड द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी. तो यहाँ पे हमारा यूजर जो है वो किस तरह से मेमोरी को सोच रहा है, यूजर इस तरह से सोच रहा है कि जी मैंने एक प्रोसेस चलाया है, एक प्रोग्राम चलाया है, वो मेमोरी में किस एक ही जगह पे कहीं भी पड़ा होगा. तो यूजर कुछ किसी और तरह से सोच रहा है, जबकि सिस्टम जो है वो इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन जो है किसी और तरह से कर रहा है. द यूजर व्यू व्यूज दैट द मेमोरी एज वन सिंगल कंटीजियस स्पेस कंटेनिंग ओनली दिस प्रोग्राम. In fact, the user program is scattered throughout the physical memory, which also hold other program. तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ जगहों पर फैला हुआ है, ठीक है. तो और यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही प्रोसेस मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोसेस जो है इन फ्रेम्स में डाले जा सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एक ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं. असल में ये जो अभी अभी हम ये देख के गए हैं, ये इसी ये जो अभी अभी हमने सिनेरियो देखा, तो ये उसी के बारे में जो है वो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास पेज का साइज कितना है, 4 bytes, ठीक है. तो हर पेज जो है वो उसका साइज हमारे पास क्या है, 4 bytes है. पेज का साइज कह लें, या दूसरे लफ्जों में इसी चीज को पेज की डिस्प्लेसमेंट कह लें, तो ये हमारे पास क्या है, पेज की डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 4 bytes के. यहाँ पे हमारे पास 4 bytes जो है हर पेज के अंदर मौजूद है. अच्छा जी, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, तो हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस हैं हमारे पास 4. ये हमारे पास था 0, ये हमारे पास 1, ये 2, और ये हमारे पास क्या था, 3. तो इस तरह से 4 पेजेस हैं. हर पेज के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स कितनी हैं, 4 हैं, या आप कह लें कि पेज का साइज कितना है, 4 है. फिर हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस बता रहा है कि 8 frame है, जो कि हमने पहले देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास 8 frame मौजूद है. अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने कोई फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है. तो फिजिकल एड्रेस इस मिसाल में वो कह रहा है 1 3, ठीक है. तो 1 3 आपके पास क्या बनता है, तो अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास पेज नंबर 1 ये P है और दूसरा हमारा D है. तो पेज नंबर 1 हमारा कौन सा है, ये 0 है और ये हमारा 1 है. और यहाँ पे 3 जो है वो हमारा कौन सी डिस्प्लेसमेंट बनती है, ये 0 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये H की बात कर रहा है, ठीक है. तो अगर हम 1 और 3 जो है उसको हमने ढूंढना हो कि हमारे पास फिजिकल मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पेज टेबल के पास आएंगे. तो हमारा पेज नंबर 1 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 6 के अंदर जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 6 में आएंगे, तो पेज नंबर 6 जो है हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है. और फिर यहाँ से हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था कि हमारे पास हमेशा सेम ही होगी, तो यहाँ पे तीसरी डिस्प्लेसमेंट है 0 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे हमारा जो है मतलूबा रिकॉर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमारे जो ये जनरेट होते हैं, किस तरह से पेज टेबल की मदद से हम फिजिकल मेमोरी में अपनी लोकेशन पर मतलूबा पर जा सकते हैं. अब यहाँ पे देखें जरा जो चीज आप ज्यादा समझने वाली है, पेज का साइज हमारे पास क्या है, 4 byte, ठीक है. तो 4 byte को आपने 2 की पावर में लेना है, तो 2 की पावर में अगर 4 को लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस एड्रेस स्पेस जो है, मतलब वो हमारे पास कितने पेजेस हैं, 4 pages हैं. तो अगर मैंने इसको 2 की पावर की सूरत में लिखना हो तो ये भी हमारे पास किस तरह से लिखे जाएंगे, 2 की पावर 2. अब हमारे पास फ्रेम कितने हैं, फ्रेम है जनाब हमारे पास 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है. तो अब हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, लॉजिकल एड्रेस जब बनता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें हमारा पी आता है और हमारा डी आता है. तो यहाँ पे गौर करें, जो हमारा पी है वो बनाने के लिए हमारे पास जो है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेज साइज जो है वो आपको नजर आ रहा है, वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे प्रोसेस एड्रेस स्पेस आपको नजर आ रही है, तो कितने पेजेस हैं आपके पास, 2 की पावर 2. तो यहाँ से हम ये वाला 2 ले लेंगे, मतलब ये 2 bytes हैं, इसका मतलब क्या है, 2 bytes. और डी जो है उसके लिए हमारे पास जो है वो कितने बाइट का है हमारा डी, तो मैं पहले ही बात कर गया हूँ कि पेज साइज जो है इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हो, और इसके लिए हमें कितना चाहिए, 2, ठीक है. मतलब 2 bytes जो है वो हमारे पास पेजेस को रखवाने के लिए चाहिए,
और दो बाइट जो है, दो बाइट नहीं, दो बिट्स, सॉरी, दो बिट्स जो है वो हमारे पास चाहिए हमारा जो पी है उसको रखवाने के लिए, और दो बिट्स जो है वो हमारे पास चाहिए हमारी डिस्प्लेसमेंट या पेज का साइज रखवाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो वन जो है इसको हमने क्या किया, ये पहली दो बिट्स में रखवा दिया है। तो वन जो है उसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो ये आपके पास कैसे लिखा जाएगा, 1 0। हमारे पास कितनी बिट्स होंगी यूज, दो बिट्स हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी, दो बिट्स ही यूज होंगी, और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या रखवाना चाह रहे हैं, 3 रखवाना चाह रहे हैं। तो 3 जो है अगर उसको हमने दो बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास क्या बनता है, 1 1 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस था अगर हम उसको बिट्स में देखें तो इस तरह से हमारे पास बिट्स जो है वो जनरेट होंगी। ठीक है, अब इसी तरह से फिजिकल एड्रेस आपके पास आ जाता है, तो फिजिकल एड्रेस जो है वो आपके पास कैसे बनेगा, एफ एंड डी। ठीक है, तो एफ जो कि आपका फिजिकल एड्रेस है उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास 8 फ्रेम थे, तो आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया, 2 की पावर 3। इसका मतलब है 3 बिट्स जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए, किसके लिए, एफ के लिए। और डी के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, यहाँ से हम देख चुके हैं 2 बिट्स जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 बिट्स हैं जो हमारा फिजिकल एड्रेस में एफ जनरेट होगा, तो यहाँ पे 3 बिट्स यूज होगी और हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 को अगर हमने 3 बिट्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, 0 1 1। ठीक है, और फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, हमारे पास ये 1 1 जो है वो हम ऐसे अपेंड कर देते हैं साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है, अगर ये पूछा जाए कि आपके पास पेज साइज जो है वो आपके पास 4 है, आपके प्रोसेस का एड्रेस स्पेस जो है वो आपके पास 4 पेजेस हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स जो है वो यूज होंगी इस एड्रेस को रखवाने के लिए, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि 2 जमा 2 हमारे पास कितनी बिट्स का यूज होगा, 4 बिट्स का यूज होगा। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि आपके पास पेज का साइज है 4 बिट्स और आपके पास फिजिकल मेमोरी जो है वो आपके पास 8 फ्रेम है, तो आपने फौरन क्या करना है, उसको 2 की पावर में ला के ऊपर जो हमारे पास बिट्स जनरेट होंगी उनको आपने जमा कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इसकी मिसाल हम देखें तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस के लिए हमारे पास 4 बिट्स इस्तेमाल होंगी और फिजिकल एड्रेस के लिए हमारे पास कितनी बिट्स का इस्तेमाल होगा, 5 बिट्स का इस्तेमाल जो है वो हमारे पास यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज जो है वो आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो है एड्रेस जो हमारे पास लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसकी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ भी नहीं है कि हमारे पास, वो कह रहा है कि अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस जो है वो 2 की पावर m हो, ठीक है, और फिजिकल एड्रेस जो है वो आपके पास 2 की पावर n हो। तो लॉजिकल एड्रेस में याद करें हमारे पास 2 की पावर m, m कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और n कितना आ रहा था, ये भी हमारे पास 2 आ रहा था। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास p जो है वो कैसे बनेगा, m - n बनेगा आपके पास। ठीक है, तो टोटल जो बिट्स हैं उनमें से हम एन निकाल देंगे मेन टू से, के 2 बिट्स जो है वो हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होंगी, 2 बिट्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होंगी पी के लिए, और 2 बिट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगी डी के लिए। ठीक है, तो ये वही चीज है जो अभी अभी हमने सारी कैलकुलेशन जो है वो की है। तो यहाँ तक काइंडली मुझे जल्दी से बताइएगा कि आपको यहाँ तक समझ आई है, कोई क्वेश्चन आया तो काइंडली जल्दी से पूछते हैं। यहाँ पे एक और मिसाल जो है वो हमें दी हुई है, इसको समझ लें, थोड़ा सा ये भी टेक्निकल होगा हमारे पास, उम्मीद है, लेकिन आप ये चीज आप समझ जाएंगे आसानी से। तो हमारे पास जो है वो कहता है कि आप एज्यूम करें कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जो है वो 16 पेजेस का है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास हर पेज जो है वो कितने वर्ड्स का है, वो 1024 वर्ड का है। ठीक है, तो अगर ये 1024 वर्ड को हम बाइट में लेके आए तो ये हमारे पास बन जाते हैं 2048 बाइट्स हमारे पास बन जाते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करूँ, 16 पेज है, हर पेज में कितने बाइट्स मौजूद हैं, 2048 बाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। ईच मैप्ड इनटू अ फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स, तो हमारे पास फ्रेम कितने बन रहे हैं, 32 फ्रेम बन रहे हैं। ठीक है, 14 पेज हैं और 32 फ्रेम है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। हेयर इज हाउ, तो मुख्तलिफ चीजें जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हमारे पास कितनी जो है वो हमें चाहिए, तो पेजेस कितने हैं हमारे पास, पी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेजेस हैं हमारे पास 16, तो अगर हम इन्हें 2 की पावर में लिखेंगे तो मतलब कि उनका अगर हम लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर पेजेस को हमने रखवाना हो तो 4 बिट्स जो है उनको यूज किया जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्रेम जो है वो 32 है, अगर हमने इसको रखवाना हो तो 32 को अगर 2 की पावर में लेके आए तो ये हमारे पास बन जाता है 5,
मतलब कि पांच बिट्स जो है हमारे पास इन फ्रेम्स को रखवाने के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके बाद है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर डी, तो ये जो आपके पास पेजेस का साइज था वो हमारे पास कितना था 2048, तो 2048 को अगर 2 की पावर में लिखें तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 11। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीन चीजें जो है वो यहाँ तक कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने लॉजिकल एड्रेस बनाना है, तो लॉजिकल एड्रेस किसका मजमू होता है, पी प्लस डी, तो पी के लिए कितनी बिट्स चाहिए 4 और डी के लिए कितनी चाहिए 11, तो 4 प्लस 11 हमारे पास कितना हो गया 15 हमारे पास हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है उसके लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें 15 बिट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारे पास किसे बनता है, एफ प्लस डी से। तो एफ हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एफ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 5 बिट्स, और डी हमारे पास क्या है यहाँ पे 11 बिट्स है, तो 5 जमा 11 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब है लॉजिकल एड्रेस के लिए हमें 15 बिट्स चाहिए और फिजिकल एड्रेस के लिए हमें जो बिट्स नीडेड है वो है हमारे पास 16 बिट्स। तो इस तरह से अगर हमारे पास से अगर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। फिर हमारे पास पेज टेबल साइज, ये जो हमारे पास आखिर पेज बनता है इसका साइज कितना होगा, तो यहाँ पे जो है बाकी चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ये जो पेज है इसके लिए हमें कितनी जगह चाहिए इस पेज को रखवाने के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि पेज टेबल साइज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एनपीई, एनपीई जो है वो हमारे पास स्टैंड करता है नंबर ऑफ पेजेस एंट्रीज, कि एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज हमने की हैं। तो एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज की हैं, अगर मैं यही वाली मिसाल लूं तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो हमारा पेज है इसके अंदर हम 16 एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 16 पेजेस थे ना हमारे पास, तो वो 16 को 16 हमने क्या करने हैं अपने फ्रेम्स के अंदर डालने हैं, तो हर एक का रिकॉर्ड जो है हमारे पेज टेबल में आएगा। और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास है पीटीईएस, तो ये हमारे पास क्या है, पेज टेबल एंट्री साइज, जो कि हमारे पास एफ होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पेजेस कितने थे, 16 पेजेस थे, और हमारे पास जो एफ था उसके लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ने वाली थी, 5 बिट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन हमारे पास क्या है, ये 5 बिट्स को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा बल्कि इनको मैं राउंड कर लूंगा और 5 बिट्स को राउंड करके बना दूंगा 1 बाइट। ठीक है, तो जब आप 16 पेजेस को 1 बाइट के साथ जरब देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16 बाइट्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो हो तो हमें क्या करना होगा, हमारा ये जो पेज टेबल यहाँ पे बन रहा है इसका साइज हमारे पास क्या होगा, 16 बाइट का हमारा जो है पेज साइज होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने जहन में रखनी है। तो 4 बिट का हमारा पी हो गया, 15 बिट का क्या हो गया हमारा लॉजिकल एड्रेस, 16 बिट का हमारे पास फिजिकल एड्रेस, और 16 बाइट्स का जो है वो हमारे पास क्या है, पेज टेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, मतलब पेज टेबल का साइज काफी ज्यादा हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमने पेजिंग का जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो देख लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो पेज टेबल हमने बनाया है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेज टेबल है इसको आखिर कहाँ पे रखवाया जाए। लॉजिकल एड्रेस जो है वो तो हमारे सीपीयू ने जनरेट किया, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस जो है वो हमारे फिजिकल मेमोरी के लिहाज से जो है जनरेट होता है, लेकिन ये पेज टेबल को आखिर कहाँ पे रखवाया जाए, तो इसके वाले से अब हम बात करते हैं। वो कहता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, हर प्रोसेस का एक पेज टेबल बनाते हैं। ये बहुत अहम बात है, ये आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास कुछ प्रोसेस, कुछ सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, हर प्रोसेस का एक पेज टेबल बना देते हैं। तो इस सिस्टम में जितने भी हमारे पास प्रोसेस चल रहे होंगे हर एक का एक पेज टेबल हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, सम एलोकेट अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, अ पॉइंटेड टू द पेज टेबल इज स्टोर्ड विद द अदर रजिस्टर वैल्यूज लाइक द इंस्ट्रक्शन काउंटर इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और फिर क्या किया जाता है, हर जो प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, इसकी जो है एंट्री डाल दी जाती है हमारे पेज टेबल की। ठीक है, तो जबकि कुछ सिस्टम जो है उनमें हमारे पास क्या होता है कि चंद एक पेज टेबल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ये जो पेज टेबल है इसको कहाँ पे रखवाया जाए। तो सबसे पहली वो कहता है कि हमारे पास जो लोकेशन है रखवाने की वो है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर, कि हम क्या करेंगे कि पेज टेबल जो है उसको कहाँ पे रखवा लेंगे, अपने सीपीयू रजिस्टर के अंदर ही रखवा लेंगे। तो सीपीयू रजिस्टर के अंदर अगर हम रखवाएं तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर हम अपने पेजेस को तब ही रखवा सकते हैं
जब हमारे पास पेजेस जो हैं, यहाँ पे देखें कि इट इज गुड वे टू कीप द पेज टेबल इन द सीपीयू, तो सीपीयू में रखवाना जबरदस्त चीज है. व्हेन एड्रेस स्पेस इज स्मॉल, जब हमारी एड्रेस स्पेस जो है वो हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो, मतलब कि हमारे पास पेजेस की तादाद जो है वो हमारे पास क्या हो, कम हो, तो तब ही हम अपना जो पेज टेबल है उसको सीपीयू के अंदर रखवा सकते हैं. अगर हमारे पास एड्रेस स्पेस ज्यादा हो गई, मतलब नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके पास ज्यादा हो गए, तो आप जानते हैं कि हमारे पास रजिस्टर जो है वो तो हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है, तो इस चीज को हम जाया नहीं कर सकते, अपने रजिस्टर्स को हम जाया नहीं कर सकते. तो अगर हमारे पास बड़े बड़े पेजेस आ गए तो उसको फिर हम अपने सीपीयू रजिस्टर में नहीं रखवाएंगे. लेकिन इसका एक फायदा बहरहाल है, अगर हम रजिस्टर में रखवाते हैं, कि हमारे पास जो है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो किसके बराबर हो जाता है, मेमोरी एक्सेस टाइम के. तो पहले हम देख लेते हैं कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है. तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की यहाँ पे डेफिनेशन देखें, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस एंड देन एक्सेसिंग द फिजिकल मेमोरी इज नाउन एज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस. तो हमारे पास जो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसको फिजिकल में तब्दील करना और फिर उसकी बुनियाद पर जाके मेन मेमोरी में डाटा को रीड करना जो है या उसको एक्सेस करना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर ही तो बना हुआ है, तो वहां पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एड्रेस जनरेट हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस, और फिर हमें क्या करना होगा, बहुत जल्दी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेमोरी में जाके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास सीपीयू के अंदर ही ये सारा काम हुआ है, सीपीयू के अंदर ही हमारे पास एड्रेस जनरेट हुआ और वहीं से फिर हमने क्या किया, हमारा जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो काफी कम हो जाएगा और डायरेक्टली ये चीज जो है वो असर डालेगी किस पर, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पर. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर हम अपना सीपीयू रजिस्टर्स में अपना पेज टेबल डालते हैं तो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. ठीक है, जिसको हम टी इफेक्टिव के साथ जो है वो डिनोट करते हैं. और उसके अलावा अगर मेमोरी को हमने एक्सेस करना हो तो उस चीज को बोला जाता है टी मेम या मेमोरी एक्सेस टाइम, या इसको हम लिखते हैं टी मेम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो है वो आपने याद रखनी है. तो सीपीयू में, सीपीयू रजिस्टर में हम कब रखवाएंगे अपना पेज टेबल, अगर पेज टेबल का साइज जो है वो हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा. तो फायदा भी हमने देख लिया कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है कम होता है. अब दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास कि हम अपना पेज टेबल जो है मेन मेमोरी के अंदर रखवा दें. ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेमोरी में हम रखवा देंगे, यहाँ पे हमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा जो है वो हमारे पास ओवरहेड हो जाता है. वो कैसे, बिलफर्ज ये हमारा प्रोसेसर है. ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है, और ये क्या है जी, हमारी फिजिकल मेमोरी है. तो हमने क्या किया, अपना पेज टेबल जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है और यहीं पे हमारा जो है वो कहीं पे फ्रेम पड़े हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर था उसने क्या किया, उसने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया. जैसे ही उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं पेज टेबल है, वहां से हम पढ़ेंगे पेज टेबल से कि भाई ये कौन से फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है, और फिर उठा के यही चीज जो है वो इंफॉर्मेशन जाएगी वापस प्रोसेसर के पास. ठीक है, प्रोसेसर को अब यहाँ से पता चलेगा कि इस फ्रेम में पड़ा हुआ है, और दोबारा से हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे फ्रेम है वहां पे जाके डाटा को रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो चक्कर पड़ जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी इफेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू टी मेम हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, तो पहला जो है मेमोरी एक्सेस जो है वो हम कहाँ पे करेंगे, पेज टेबल को, अगर हम अपना पेज टेबल मेन मेमोरी में रखवाते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होगा, फिर फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने में लग जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो टू टाइम्स हमारे पास हो जाता है, और ये चीज जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. इसका मतलब है कि अगर हम मेन मेमोरी में भी अपना पेज टेबल रखवाते हैं तो हमारा मसला जो है वो हल नहीं हो रहा. अच्छा, यहाँ पे देख लें कि ये जो आपका पेज टेबल आपने मेन मेमोरी के अंदर बनाया हुआ था, इसका जो है वो एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा, इसका एड्रेस हमारे पास सीपीयू के अंदर कोई रजिस्टर है जिसका नाम है पेज टेबल बेस रजिस्टर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पेज टेबल है इसका बेस एड्रेस जो है वो किसके अंदर पड़ा होगा, पेज टेबल बेस रजिस्टर के अंदर. ठीक है, तो पेज टेबल बेस रजिस्टर, यहाँ पे हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसके अंदर पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, बेस एड्रेस पड़ा होगा हमारे पेज टेबल का. तो उम्मीद है ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी, और ये भी समझ आ चुका होगा कि हम अपना पेज टेबल जो है वो मेन मेमोरी में क्यों नहीं रखेंगे. तो बहरहाल बाद में हम देखेंगे, यही डिस्कशन हम बहरहाल करेंगे कि बाद हालात में हमें मेन मेमोरी में रखना भी पड़ेगा. ठीक है, अब हम तीसरी ऑप्शन की बात करते हैं.
तीसरी ऑप्शन जो है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, हमारे पास एक खास तरह का हार्डवेयर हम यूज कर लेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का नाम देंगे। इसमें हमारे पास इसका साइज जो है वो 64 से लेके 1024 एंट्रीज इसमें हम डाल सकते हैं, और इसमें हम जो डालते हैं डाटा वो हमारे पास होता है की वैल्यूज की सूरत में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से समझे आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पेज टेबल ये वाला बना हुआ है, ठीक है। और ये हमने जो नया एक हार्डवेयर डाला है इसमें, जिसको हमने बोला है पेज टेबल क्या कहते हैं, पेज टेबल लुक असाइड बफर जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो ये हमारा क्या है, TLB या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास पेज नंबर भी रखा जाता है और फ्रेम नंबर भी रखा जाता है। तो जैसे ही CPU ने कोई एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो कि पी और डी पर मुश्तमिल था, तो हम क्या करेंगे, पहले आके ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में चेक करेंगे। अगर तो हमें यहाँ पे जो है वो एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिलफर्ज हमें यहाँ पे कोई पेज नंबर मिल जाता है, बिलफर्ज हम 2 की बात कर रहे थे, तो हमें मिल यहाँ पे मिल जाता है उसका रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम उसका जो मुतलका फ्रेम नंबर है, हो सकता है ये 3 हो, यहाँ से हम उठाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, साथ में इसके डी मिलाएंगे और अपना जो फिजिकल एड्रेस है वो यहाँ पे आके जो है वो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। अगर हमारे पास CPU ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया और उसका रिकॉर्ड हमें ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में मिल गया, तो इस चीज को बोला जाता है TLB हिट, ठीक है। अब अगर हमारे पास उसने पी और डी को जनरेट किया और हमने यहाँ पे आके चेक किया लेकिन हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इसे बोला जाता है TLB मिस, ठीक है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, अपने पेज टेबल के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके मुतलका अपना पेज टेबल देखते हैं, वहां से फ्रेम नंबर उठाते हैं, उसको डी के साथ मिलाते हैं और जो हमारी मेमोरी मतलूबा होती है वहां पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल TLB हिट और TLB मिस के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जब मिस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपना मतलूबा रिकॉर्ड भी यहाँ से उठाएंगे, मतलब पेज नंबर के हिसाब से अपना फ्रेम नंबर भी उठाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, ये वाली एंट्री जो है वो हम अपने इस TLB के अंदर भी डालेंगे। ये डालने की वजह ये है कि अगली बार अगर ये एड्रेस जनरेट हो तो दोबारा से जो है वो हमें, हमारे पास मिस ना हो बल्कि हिट हो जाए और हमारा जो एक्सेस टाइम है वो हमारे पास कम हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि TLB हिट और TLB मिस के बारे में, ठीक है। तो अगर हमारे पास TLB मिस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपने उस पेज नंबर के हिसाब से जो कि हमारे CPU ने जनरेट किया होता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं अपने टेबल को, फ्रेम नंबर यहाँ से ढूंढते हैं अपने मतलूबा डी के साथ मिला के, फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ से हम अपना सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या किया जाता है, ये जो हमारे पास है अभी हमने मिस की सूरत में यहाँ पे रिकॉर्ड ढूंढा था, तो वो हमारे पास जो है उसकी एंट्री कहाँ पे डाल दी जाती है, TLB के अंदर डाल दी जाती है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के अंदर जो है ये चीज डाल दी जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास पहले जब हम TLB को सर्च करेंगे तो हमारे पास हिट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाए मिस की निस्बत, ठीक है। तो इस तरह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी, या हम कहेंगे कि हमारा हिट रेशियो जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और अहम बात है कि ऑन अ कॉन्टेक्स्ट स्विच स्विचिंग द TLB इज फ्लश्ड एंड इज लोडेड विद द वैल्यूज ऑफ द स्केड्यूल्ड प्रोसेस। तो जब हमारे पास प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, जो मौजूदा प्रोसेस है उसको, उसे CPU को छीना जा रहा होता है, तो तब क्या किया जाता है, TLB जो है ये जो हमारा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है इसको फ्लश कर दिया जाता है, इसको खाली कर दिया जाता है, और इसमें जो हमारे पास नया प्रोसेस है जो कि अब नया प्रोसेस आना है उसका रिकॉर्ड जो है इस TLB के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टी इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर होगी, हिट रेशो, ठीक है, प्लस मिस रेशो। तो हिट रेशो में हमारे पास क्या है, हिट रेशो में पहली बार हम क्या करेंगे, अपना टेबल को एक्सेस करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, टी मेम है हमारे पास, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देख लें कि अगर हमारे पास ये हिट होता है तो पहला हमारे पास क्या है, ये जो एक्सेस टाइम है इस टेबल को, इस टेबल का, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है, ठीक है। और अगर मिस होता है तो उस सूरत में हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है, यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, पहले हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे इसको सर्च करेंगे TLB को, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2 times हमारे पास ये हो गया, और फिर हमारे पास क्या है, एक ये वाला मेमोरी एक्सेस टाइम हो गया। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, क्या चार आपके पास क्या है, TLB, TTLB प्लस TMEM, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास टी मेम जो क्या हो जाता है, दो बार हो जाता है, जो बात मैं आपको समझा चुका हूँ अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें एक ये थोड़ा सा कि हमारे पास टी मेम है बिल्फर्स 100 नैनो सेकेंड, और टी टी एल भी हमारे पास क्या है 20 नैनो सेकेंड है, और हिट रेशो अगर हमारे पास है बिल्फर्स 80%, तो टी इफेक्टिव टाइम जो है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ हिट रेशो ठीक है हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, तो 80% जो है हमारे पास हिट रेशो है, और 20% के हमारे पास मिस रेशो है, ठीक है। और ये हमारा टी एल भी है ठीक है, जो कि 20 नैनो सेकंड का है, और 100 हमारा क्या है टी मेम है, ठीक है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 140 नैनो सेकंड जो हमारे पास टाइम आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और यहाँ पे हमें दिया गया है, ये एग्जाम्पल 2 दी हुई है, इसको भी काइंडली आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास है कि पेजिंग जो है उसमें प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पीछे भी हमने जितनी भी टेक्निक्स देखी हैं उनमें हम क्या कर रहे थे, किसी न किसी तरह से प्रोटेक्शन कर रहे थे कि हम किसी इलीगल एड्रेस स्पेस को जो है वो एक्सेस ना कर लें। तो जब हम पेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ खास तरह की बिट्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें बोला जाता है प्रोटेक्शन बिट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिट जो है हमारे पास क्या होगी, या वैलिड होगी या हमारे पास क्या होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये वाली डायग्राम अगर आप देखें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से लेके 5 तक जो है 6 हमारे पास क्या है यहाँ पे पेजेस मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे पास ये फ्रेम्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पेज टेबल है उसमें पहली एंट्री हमने किसकी डाली है, पहली एंट्री जो है वो हमने इंडेक्सिंग की हुई है इन्हीं पेजेस पेज नंबर की मदद से, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे हमारे पास क्या, ये फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्रेम नंबर आ जाते हैं ये वाले। अच्छा यहाँ पे फिर हमारे पास देखें, ये हमने वैलिड यहाँ पे वैलिड इन वैलिड बिट जो है वो डाली हुई है। तो यहाँ पे देखें कि 0 से लेके 5 तक जो है हमारे ये वाले पेजेस का ताल्लुक था इस प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के पेजेस हैं, लेकिन 6 और 7 जो है वो हमारे इस प्रोसेस के पेजेस नहीं है। तो जो इस प्रोसेस के पेजेस थे उनमें हमारी बिट जो है वो क्या सेट की गई है, वैलिड सेट कर दी गई है, और जो हमारे इस प्रोसेस से जिन पेजेस का ताल्लुक नहीं था वहां पे हमारे पास इनवैलिड बिट जो है वो सेट कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से वैलिड इनवैलिड बिट जो है उसकी मदद से क्या किया जाता है, हमारे पास प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने याद रख लेनी है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें, कहते हैं कि 1 बिट कैन डिफाइन द पेज टेबल टू बी रीड एंड राइट ओनली। इसके अलावा हमारे पास और तरह की भी बिट इस्तेमाल होती है जो हमें ये बताती है कि हमारा जो पेज टेबल है वो रीड या राइट ओनली है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास एक और बिट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि एन अटेम्प्ट टू राइट टू अ रीड ओनली पेज काज अ हार्डवेयर ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बिलफर्ज हमारे पास कोई पेज था और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पेज जो है वो रीड ओनली है। तो अगर कोई प्रोसेस जो है वो वहां पे आके उस पेज के अंदर आके कोई डाटा राइट करने की कोशिश करता है तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो है वो यहाँ पे ट्रैप वगैरह जो है वो जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो आपने याद रख लेनी है कि प्रोटेक्शन के लिए वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल भी किया जाता है और रीड राइट बिट जो है उनका इस्तेमाल भी हमारे पास किया जाता है। तो ये चीजें जो आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पेज टेबल का वो किस तरह से बनाया जाता है, हमारा जो पेज टेबल है वो किस तरह से आखिर बनाया जाता है, ठीक है। तो पेज टेबल जो है उसको हम 3 तरह से जो है वो मेनली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि हमारे पास जो आमतौर पे आजकल एड्रेस जनरेट होता है या वो 32 बिट का जनरेट होता है लॉजिकल एड्रेस, या वो 64 बिट का होता है, ठीक है। तो अब 32 बिट या 64 बिट के लिए हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं पेज टेबल के, तो उनके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 तरीकाकार हैं, या 3 तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास पेज टेबल का मौजूद है। सबसे पहले हायरार्किकल, या इसे मल्टी लेवल पेजिंग भी बोला जाता है, फिर है हमारे पास हैश टेबल, और फिर हमारे पास इन्वर्टेड टेबल। तो आपने इनको गौर से देखना है, ये काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इन्हें ज्यादा सिंपल करने की। तो पहले हम देखते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। तो मल्टी लेवल पेजिंग जो है इसका नाम ही बता रहा है कि हमारे पास एक से ज्यादा लेवल की पेजिंग जो है हमारे पास होगी। मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने एक खुद से एग्जांपल तैयार की है, इसमें आ जाएं आप। बिलफर्ज यहाँ पे देखें, अभी के लिए आप इसको देखो कि ये आपका कोई प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे 6 पेजेस मौजूद है, ठीक है। और ये
छह पेजेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं F2 से लेके F7 तक जो है वो रखवा दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे पेजेस जो हैं। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो आमतौर पे हम क्या करते हैं, पेज टेबल एक बनाया करते हैं, तो समझ लें कि ये मैंने वो बना दिया है, ठीक है। तो वो वाला पेज टेबल जो है उसमें हमें क्या पता चल जाता था कि हमारा जो जीरो है पेज टेबल है वो हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारा पड़ा हुआ है सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक पेज टेबल पहले ड्रा करके दिखाता हूँ, जो हम एक आम पेज टेबल बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस पेज टेबल में हमारे पास होगा कि जी हमारा जीरो पेज जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, जीरो पेज जो है वो हमारा पड़ा हुआ है F2 के अंदर, ठीक है, ऐसे ही है ना, ये F2 के अंदर जो है हमारा जीरो पेज जो है वो पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारा वन पेज जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, F3 में। और इसी तरह से हमारा जो है जो हमारा नेक्स्ट है पेज 2 है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, F4 में पड़ा हुआ है। और इसी तरह से हमारा जो पेज नंबर 3 है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 3 जो कि D है वो हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, F5 में पड़ा हुआ है। इसी तरह से पेज नंबर 4 जो है वो हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 4 हमारा जो है जनाब वो F6 में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, पेज नंबर जो हमारा 5 है जो कि हमारा 6th पेज है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे F7 में। तो ये जो मैंने आपके सामने जनरेट किया है ये हमारे पास एक आम जो पेज टेबल जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टी लेवल पेजिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमारे पास पेज का साइज था 4 KB का। यहाँ पे ये जो आपके पास 6 पेजेस नजर आ रहे हैं इनमें से हर पेज का साइज जो है वो हमारे पास क्या है, 4 KB है, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे जारी बात है फ्रेम बनेंगे वो भी क्या होंगे, 4 KB के होंगे। हमने शुरू में बात कर ली है कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो पेज भी 4 KB का और फ्रेम भी हमारे पास क्या है, 4 KB का है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये बना कि ये जो हमारा पेज टेबल हमने जनरेट किया ये वाला, इसका साइज हमारे पास हो गया 12 KB। तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखें हमने क्या करना है, हमने ये जो पेज टेबल है अपनी मेमोरी के अंदर रखवाना है। हम पीछे पढ़ के आए ना कि हम अपना पेज टेबल जो है वो रैम के अंदर भी रखवा सकते हैं, फिजिकल मेमोरी में भी रखवा सकते हैं। तो मैं अपना ये पेज टेबल जो है वो अब यहाँ पे रखवाना चाह रहा हूँ, लेकिन हर फ्रेम का साइज कितना है, 4 KB। पेज टेबल का साइज कितना हो गया जी, 12 KB हो गया। इसका मतलब है कि 12 KB को मैं 4 KB में तो नहीं कहीं पे रखवा सकता। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अपना जो ये जो पेज टेबल मैंने एक बनाया है ये वाला, इसको इसकी मैं मजीद पेजिंग कर दूंगा, मीन के इसको मैं छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, हमारे पास पेज टेबल का साइज कितना है, पेज टेबल का साइज है 12 KB, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसकी जो एंट्रीज हैं उनका साइज मैंने क्या बनाना है, 4 KB बनाना है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस अपना जो पेज टेबल था उसको मैं क्या करूंगा, 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, मतलब 4 4 KB के मैंने क्या किए हैं, 4 3 हिस्से जो है वो बना दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अच्छा जी, ये पहला पेज हो गया जो एक नया पेज टेबल बन रहा है उसका मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पहला पेज बना दिया, ये वन पेज, और फिर इस तरह से ये हमारे पास 2 पेज हो गया, ठीक है। तो हमने अपने और यहाँ पे हर एक का साइज हमारे पास क्या होगा, हर एक का साइज हमारे पास क्या होगा, 4 KB होगा। तो मल्टी लेवल पेजिंग में हम क्या करते हैं, अपना जो पेज टेबल होता है उसको मजीद छोटे छोटे पेजेस में तकसीम कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पेज टेबल बनाया है इसका नाम मैंने रख दिया है इनर पेज टेबल, ठीक है। अब इनर पेज टेबल जो है उसमें हमारे पास क्या है, हर पेज का साइज हमारे पास क्या है, 4 KB है, ठीक है। तो अगर ये 4 KB का है तो इसमें हमारे फ्रेम जो है वो कितने कितने साइज के थे, 4 KB के। इसका मतलब है कि अब ये वाले पेजेस जो है उनको मैं अपने इन फ्रेम्स में सेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इनर पेज टेबल था इसका 0 पेज जो है वो मैंने कहाँ पे रखवाया है, F8 में जाके रखवा दिया है। और इसका जो 1 पेज था वो मैंने कहाँ पे रखवा दिया है, F9 में रखवा दिया है। और जो इसका पेज 2 था वो मैंने कहाँ पे जाके रखवा दिया है, F10 में रखवा दिया। तो इस तरह से मैं आसानी के साथ जो है इनका क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रखवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मैंने एक पेज टेबल क्रिएट किया है इसका रेफरेंस तो मुझे कहीं ना कहीं पे देना ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक मजीद जो है वो पेज टेबल बनाते हैं। उस पेज टेबल का नाम हम रख देते हैं आउटर पेज टेबल, ठीक है। तो इस आउटर पेज टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्सिंग की गई है ये कौन सी है, ये वाला जो हमारा
इनर पेज टेबल था, इसका जो हमारे पास नंबर है उसी की इंडेक्सिंग जो है वो हमने कहां पे की है, आउटर पेज टेबल में की है, ठीक है। तो आउटर पेज टेबल कहता है कि हमारे पास जो यहाँ पे देखें कि हमारा जीरो इंडेक्स कहाँ पे रखा गया था, जीरो इंडेक्स रखा गया था F8 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वन इंडेक्स जो है वो हमारा कहाँ पे रखा गया था, वो हमारा रखा गया था यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F9 के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो इनर पेज टेबल है उसका जो इंडेक्स 2 था या पेज 2 था जिसे मैं कहूँगा, वो हमारे पास कहाँ पे रखा गया था, F10 के ऊपर रखा गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने पेज टेबल का इनर टेबल बनाया और उसका रेफरेंस जो है वो फिर हमने कहाँ पे दे दिया है, आउटर टेबल के अंदर दे दिया है। अब ये जो आउटर टेबल हमने एक बनाया है इसका साइज भी हमारे पास क्या होगा, 4 KB ही होगा, ठीक है। बाज हालात में ये और भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है 6 KB हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, मजीद इसकी भी पेजिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी लेवल का कंसेप्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे चीजों को सिंपल रखूंगा, मैं यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये 4 KB है, तो इसका मतलब है कि हम इसको कहाँ पे सेट कर सकते हैं, किसी फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेम हमारे पास क्या है, 4 KB का है, ठीक है। अब कहानी कुछ यूं होगी कि हमारा प्रोसेसर जो है वो कोई लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करेगा P × D जो है वो हमारे पास जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आउटर पेज में आएंगे, ठीक है। बिलफर्ज हमें हमारे पास जो है कोई एड्रेस जनरेट किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ से हमारे पास कोई एड्रेस है तो हम देखेंगे जीरो के हमारा ये जो, इस जीरो की मदद से हम कहाँ पे जाएंगे, F8 पे जाएंगे। F8 पे क्या पड़ा हुआ है जी, इनर जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो इसका पेज नंबर जीरो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका हो सकता है कि हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ये जो हमारा पेज था F3 वाला उसको हमने हासिल करना है, तो ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है F3 के ऊपर, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, F3 पे आ जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली चीज जो है वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास पेज है वो हमारे पास एक्सेस होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मल्टी पेजिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, ये वाली इमेज देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस था उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। बिलफर्ज अगर आपके पास 32 बिट का अगर एड्रेस है ना, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो डी है वो हमारे पास 12 बिट का बनेगा, ठीक है। और हमारे पास जो बाकी का 20 रह जाएंगे, 20 बिट्स रह जाएंगी, उसको हमने क्या करना है, P1 और P2 के अंदर जो है वो क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। 10-10 की जो है वो हमने दो यहाँ पे एक तरह से क्या कर देने, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसेस के लिए ये पेजेस जो है वो क्रिएट कर देने हैं। अब हमारे पास जो है सबसे पहले वो क्या करेगा, कहाँ पे आएगा, आउटर टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। आउटर टेबल में उसको क्या मिलेगा, ये जो हमारा इनर पेज टेबल है उसकी इंडेक्सिंग हुई पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका यहाँ से इंडेक्स उठाएंगे और आके किस में चेक करेंगे, हमारा जो इनर पेज टेबल है उसके अंदर आके चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास यहाँ से हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास पीछे से जो डी जनरेट हुआ होगा उस डी को यहाँ पे साथ मिलाएंगे और हमारे पास जो है फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब यही वाली चीज जो है वो हमें यहाँ पे भी समझाई हुई है, ठीक है। ये हमारा आउटर पेज टेबल है, ये हमारा इनर पेज टेबल है और ये हमारी क्या है, मेमोरी है। तो किस तरह से हमारा जो आउटर पेज टेबल है उसकी मदद से हम इनर पेज टेबल को एक्सेस करते हैं और फिर आगे जो है हमारे पास डी जो है उसको मिला के हमारे पास फिजिकल एड्रेस जो है उसको हासिल कर लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास क्या था, हायरार्किकल या मल्टी लेवल पेजिंग का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हैश्ड पेज टेबल। तो हैश्ड पेज टेबल में हमारे पास क्या किया जाता है, हैश पेज टेबल में हमारे पास हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपने हैश फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। तो हैश फंक्शन जो है उसमें हम आमतौर पे क्या करते हैं कि अपना जो भी नंबर होता है उसका 10 के साथ मॉडुलस ले लेते हैं, 100 के साथ या इसी तरह से किसी नंबर के साथ हम क्या करते हैं अपना मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन हैशिंग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओपन हैशिंग जो है आमतौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पी जनरेट होगा उसको हम गुजारेंगे किसी हैश फंक्शन में से, ठीक है। बिलफर्ज मैं इसमें मॉडुलस ले रहा हूँ जी, 10 का मॉडुलस ले रहा हूँ, तो हमारे पास जो है पेज नंबर जो है वो 203 जनरेट हुआ, तो हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। वो लिंक लिस्ट जो है वो किन चीजों पर मुश्तमिल होगी, पी, एफ और जो नेक्स्ट है,
ठीक है, मतलब कि अगली अगर आपके पास नोड बनती है तो उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे पड़ा होगा। तो हमारे पास बिलफर्ज क्या जनरेट हुआ जी, 203 जो है वो आपके पास जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ये रिकॉर्ड बिलफर्ज पड़ा हुआ है 203 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पी है 203, यहाँ पे इसका जो फ्रेम नंबर है वो होगा, और यहाँ पे आपके पास जो अगली नोड है उसका एड्रेस पड़ा होगा ताकि ये दोनों नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर अगला बिलफर्ज आपके पास एड्रेस जनरेट हुआ तो वो हम कह देते हैं जी 503 है आपके पास, ठीक है। तो फिर से आपके पास जो है वो 3 जनरेट हुआ, तो यहाँ पे हम आएंगे हैश टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपना अगला लिंक लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पी जो है वो किस चीज पे मुश्तमिल होगा, 503 पर, यहाँ पे इसका मुतलका एफ पड़ा होगा, और यहाँ पे अगर हमारे पास आगे कोई नोड है तो ठीक, वरना यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास क्या पड़ा होगा, उस पॉइंटर में हमारे पास नल पड़ा होगा, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आपके पास क्या हो गया जी, 503 जो है वो आपके पास जनरेट हो गया। तो हैशिंग की हुई है हमने। अब बिलफर्ज हम किसको सर्च करना चाह रहे हैं जी, 503 को जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं फिजिकल मेमोरी में। तो यहाँ पे हम आएंगे 503 हैश फंक्शन की मदद से जो है हम कहाँ पे आएंगे, हैश टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो थ्री वाले जो चेनिंग एक हुई पड़ी है उसमें आएंगे, पहले आके इस नोड को चेक करेंगे, यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा रिकॉर्ड, फिर हम 503 पे आ जाएंगे। जब हम 503 पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो दरमियानी वैल्यू वो हमारा एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसका एफ मिल जाएगा, उस एफ को हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरेट हुए डी के साथ मिला के जो मतलूबा मेमोरी है वो हमारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हैश पेज टेबल जो है उसका कंसेप्ट है ये हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इन्वर्टेड पेज टेबल, ठीक है। तो एक चीज मैं शुरू में बात करके आया हूँ कि हमारे पास क्या है कि जितने प्रोसेसेस होंगे उतने आपके पास क्या होते हैं, पेजेस जो है वो जनरेट किए जाते हैं। जितने आपके पास प्रोसेसेस हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, पेजेस जनरेट किए जाते हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल, इस वक्त आपके पास जी 10 पेजेस हैं, सॉरी 10 प्रोसेसेस हैं। तो 10 प्रोसेसेस के कितने जो है वो टेबल हमारे पास बनेंगे, 10 पेज टेबल आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन उन 10 प्रोसेसेस की सिर्फ एक एक दो दो पेजेस जो है वो हमारे पास फिजिकल मेमोरी में लोड है। बात पे गौर कीजिएगा, 10 प्रोसेस चल रहे हैं, 10 प्रोसेस के 10 पेज टेबल मेमोरी के अंदर जो है वो लोड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मसला है कि जो हमारे पास हर प्रोसेस है उसके सिर्फ एक एक दो दो पेज हम मेमोरी में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पेज टेबल हमें पूरे का पूरा जो है वो लोड करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हम अपनी काफी मेमोरी जो है उसमें एमवी पेज टेबल जो है वो हम रखवा देंगे। तो वो कहते हैं कि उसके बजाय हम क्या करेंगे कि सिर्फ हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल जो है वो नहीं बनाते, हम क्या करेंगे एक जनरल पेज टेबल बना देते हैं, और वो जो जनरल पेज टेबल होगा उसमें सिर्फ एंट्रीज डालेंगे उन पेजेस की जो कि इस वक्त फिजिकल मेमोरी में मौजूद है। 10 पेजेस के जो जो पेजेस इस वक्त, 10 प्रोसेसेस के जो जो पेजेस इस वक्त फिजिकल मेमोरी में मौजूद हैं, हम क्या करेंगे सिर्फ उन्हीं पेजेस का रिकॉर्ड जो है वो हम उस जनरल टेबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। और वो जो जनरल टेबल होगा उसमें हमारे पास जो इंडेक्सिंग होगी वो हम किस कैसे करेंगे, फ्रेम नंबर की मदद से करेंगे। पहले हमारे पास पेज टेबल जो होता था उसकी इंडेक्सिंग हम कैसे करते थे, पेज नंबर की मदद से, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, फ्रेम नंबर की मदद से हम इंडेक्सिंग करेंगे। इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो हमें नाम दे दिया गया है। अच्छा, आप जो आपके पास एक्टिव पेजेस हैं उन्हें यहाँ पे वो कहीं पे आप जब आप पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि उन्हें वो रियल पेजेस का नाम दे रहा है, ठीक है। तो रियल पेजेस आपके पास क्या हुए, वो पेजेस जो कि इस वक्त हमारे पास सब मेमोरी में पड़े हुए हैं, फ्रेम्स में पड़े हुए हैं, ऐसे पेजेस को आप क्या कहोगे, रियल पेज कहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये आपने क्या किया, अब जो हमारे पास एक एड्रेस जनरेट होगा वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होता था। पहले 2 चीजों पर होता था, पी एंड डी पर, लेकिन आप कहाँ कितनों पर होगा, 3 चीजों पर होगा, प्रोसेस आईडी, पेज और हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पेज टेबल में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा पी पी आई डी का, पी का, और यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो हमारे पास किसकी मदद से की गई होगी, फ्रेम नंबर की मदद से जो है वो हमारे पास की गई होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास, आपको पता है कि ये एक जनरल पेज टेबल है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं उनके पेजेस जो है वो यहाँ पे लोड कर दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पी आई डी की मदद से ढूंढेंगे अपना मतलूबा
प्रोसेस आईडी और उसका पेज नंबर जो हमें चाहिए होगा वो देख लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसका जो फिर फ्रेम होगा वो उठाएंगे और डी के साथ मिला के हम क्या करेंगे, अपनी जो मतलूबा मेमोरी है उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था आखिरी जो हमारे पास है, जिसे हमने नाम दिया है इन्वर्टेड पेज टेबल का। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्टेड पेज टेबल इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, और इसको इस्तेमाल करने की वजह जो है इस स्ट्रक्चर को हमारे पास क्यों पड़ी। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास पेज टेबल का स्ट्रक्चर जो है उसकी हमने बात कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास शेयरिंग इन पेजिंग, कि पेजिंग जो है उसमें हम शेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ये टर्म है यहाँ पे री एंट्रेंट कोड, इसका आपको पता होना चाहिए। री एंट्रेंट कोड जो है वो आपके पास होता है रीड ओनली कोड होता है, जो कि सेल्फ मॉडिफाइंग नहीं होता। ऐसा कोड जो कि तब्दील ना हो उसे हम क्या कहते हैं, री एंट्रेंट कोड कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं, जो हमारा कोड तब्दील नहीं होता उसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे। बिलफर्ज जी, आपके पास कोई एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है आपके पास, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर का कोड जो है वो आपके पास क्या है, री एंट्रेंट कोड है, जो कि खुद को तब्दील नहीं करता, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आपके अगर 10 यूजर जो है उस टेक्स्ट एडिटर को यूज कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप 10 बार जो है हर एक के लिए अलग-अलग जो है यहाँ पे अपना जो है फ्रेम के अंदर पेजेस डालें, आप क्या करेंगे जो मुश्तरका कोड है, जो री एंट्रेंट कोड है, उसको आप क्या करेंगे जस्ट एक बार जो है वो अपने लोड कर लेंगे फ्रेम्स के अंदर, और सारे जो है उन फ्रेम्स को फिर इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पे देखें जरा, ये आपका प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, और ये प्रोसेस P3 है। ये तीनों आपके पास क्या है, ये आपके पास एडिटर है। अब इनके ये जो पेजेस हैं ED1, 2 और 3, ये आपके पास क्या है, री एंट्रेंट कोड है। इसी तरह से आपके पास देखें वही कोड यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, और वही कोड जो है वो आपके पास यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम पेज टेबल की सूरत का जायजा लें, तो ये आपके पास ED1 कहाँ पे लोड है, 3 पे, ED2 4 पे, और ED3 जो पेज है वो 6 पर है, और सेम सूरत आपको जो है वो तीनों प्रोसेस में नजर आ रही है। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि हम इनको बार बार लोड करें, हम क्या करेंगे ये वाले जो हमारे पास री एंट्रेंट कोड है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेम में, ठीक है। तो ED1 3 में, ED2 4 में, और ED6 जो है वो हमारे पास, ED3 जो है वो कहाँ पे आ गया, 6 में आ गया है। तो ये जो आपके पास कोड था उसको सारे प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास लोकेशंस हैं, ये जो फ्रेम्स हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तीनों प्रोसेस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। हाँ, उनका जो डाटा है वो हर एक प्रोसेस का अपना अपना है, वो डाटा जो है हर एक का अपना अपना रहेगा, लेकिन री एंट्रेंट कोड जो है वो आपस में प्रोसेस जो है वो शेयर करना शुरू कर देंगे। ये था हमारे पास कि हम किस तरह से पेजिंग के अंदर जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आके हमारा पेजिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पुट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हमने ये चैप्टर हर सूरत में खत्म करना था, ये मेरा टारगेट था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेगमेंटेशन, जो कि दूसरा हमारे पास जो है टाइप थी इसकी नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की। अब सेगमेंटेशन जो है वो कहता है कि ये आपका जो यूजर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बिल्कुल करीब है, ठीक है, या हम कह लें कि जो प्रोग्रामर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू को ये सपोर्ट करता है। किस तरह से, कि प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ फंक्शन बनाता है, कोई सब रूटीन बनाई, कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाया, कोई मेन प्रोग्राम है, सैम्पल टेबल है, स्टैक है हमारे पास। तो हर एक जो आपके पास पीस ऑफ कोड होगा उसका हम क्या करेंगे, अलग-अलग एक सेगमेंट जो है वो मेमोरी के अंदर बना दिया जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन बोला जाता है। अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट, अ सेगमेंट इज लॉजिकल यूनिट सच एज मेन प्रोग्राम या प्रोसीजर या जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, उनका हर एक का हम क्या करेंगे, सेगमेंट बना देंगे, हर एक का अलग-अलग टुकड़ा सेगमेंट जिसे हम कहते हैं बना देंगे। ईच सेगमेंट हैज अ नेम एंड लेंथ, अब हर सेगमेंट जो है उसका हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई नेम होगा और कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, लेंथ जो है वो हमारे पास होगी, ठीक है। तो जैसे ये सब रूटीन है, इस सेगमेंट का नेम, स्टैक का नेम जो है वो हमारे पास क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेगमेंट का नेम स्टैक है। इसी तरह से हर एक की क्या होगी, हमारे पास कोई ना कोई लेंथ जो है वो हमारे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया जाता है सेगमेंट नंबर की मदद से और ऑफसेट की मदद से। वो कहता है कि हम क्या करेंगे, सेगमेंट नेम को यूज नहीं करेंगे बल्कि सेगमेंट नंबर को यूज कर लेंगे, और फिर उसके अंदर कौन सी लोकेशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमारा ऑफसेट बन जाएगा या डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने कहा था वो हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सेगमेंट जो है उसके नंबर की तो हमें समझ आ गई, तो उसका हमारे पास जो है उसके कोई ना कोई हमारे पास लेंथ भी होती है, ठीक है। तो हमारा सेगमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो हमारा जो बेस एड्रेस है वो रखा जाता है सेगमेंट का सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर के अंदर, और जो इसकी लिमिट है वो रखी जाती है सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर के अंदर। तो ये दो रजिस्टर जो है वो आपके पास इस्तेमाल होंगे, ये आपने माइंड में रखना है, एसटीबीआर और एसटीएलआर। तो पहला जो है वो आपका बताएगा कि हमारा जो कोई सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, और दूसरा उसकी क्या बताएगा, लेंथ जो है वो हमारे पास बताएगा। तो यहाँ पे देख लें कि सेगमेंट नंबर एस इज लीगल, हमारा सेगमेंट नंबर जो है वो लीगल है अगर उसकी वैल्यू जो है वो बेस रजिस्टर से छोटी है, ठीक है। और डी या हमारा ऑफसेट जो है वो छोटा है अगर उसकी वैल्यू जो है वो लिमिट से छोटी है। तो यही बात जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पे कि हमारे पास सीपीयू जो है उसने क्या किया, हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया दो चीजों पर मुश्तमिल था, सेगमेंट और दूसरा हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो आपके पास सेगमेंट जो है, सेगमेंट जनरेट हुआ, सेगमेंट नंबर जनरेट हुआ, इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सेगमेंट टेबल में जाएंगे। वहां पे हमारे पास पेजिंग में पेज टेबल था, यहाँ पे सेगमेंट टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे चेक करेंगे कि ये यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो सेगमेंट नंबर की बुनियाद पर की गई होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना मतलूबा जो है सेगमेंट नंबर आगे यहाँ पे देखेंगे और उसकी लिमिट उठाएंगे, ठीक है। उसकी लिमिट उठा के हम देखेंगे आया कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी लिमिट से छोटा है, ठीक है। अगर वो लिमिट से छोटा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें बेस रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करेंगे और हमारे पास जो मतलूबा फिजिकल मेमोरी में जो एड्रेस है वो हम एक्सेस करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उसकी लिमिट जो है यहाँ से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसकी लिमिट से छोटी नहीं है, ज्यादा बड़ी है, तो ये एक इलीगल एड्रेस होगा और फिर हमारे पास इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैप जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हार्डवेयर कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है जिसमें हमारे पास सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं तो ये बात जो है वो आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ रही होगी जो अभी मैंने बात की है, ठीक है। तो शेयरिंग बस इसमें यही बातें जो है वो आपने चांदे जो है वो याद रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास के शेयरिंग कैसे होती है सेगमेंट में। तो जैसे हमारे पास वहां पे शेयरिंग हो रही थी ना, ऐसे हमारे पास सेगमेंटेशन में भी शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास कोई एडिटर है, उसमें कोई ना कोई आपके पास जनाब क्या है, कोई ना कोई आपके पास री एंट्रेंट कोड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, इसका सेगमेंट जीरो और इसका जो सेगमेंट जीरो है, अगर आप उनका यहाँ पे आके लिमिट चेक करें तो इसकी लिमिट और इसका बेस, ये दोनों चीजें जो है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेगमेंट जो है वो री एंट्रेंट कोड है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। तो इसको ये क्या करना है, कर देंगे शेयर करना शुरू कर देंगे। अब सेगमेंट वन जो है प्रोसेस P1 का, जो कि उसका डेटा है, उसकी लिमिट आप देख सकते हैं 4425 है और बेस उसका है 68348। तो ये हमारे पास क्या है, अलग-अलग रखवाए जाएंगे और बाकी का जो कोड जो कि री एंट्रेंट था उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी हम प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास जैसे हमने पहले बात की है पेजिंग में कि वैलिड इनवैलिड बिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो सेम चक्कर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अगर वैलिड बिट जो है वो जीरो है तो इफ द वैलिडेशन बिट इज जीरो इट इंडिकेट्स एन इलीगल सेगमेंट। तो अगर वो वन होगी तो हम कहेंगे ठीक है, और अगर जीरो ही तो हम कहेंगे कि ये एक इलीगल कोड है। इसके अलावा और हमारे पास बिट्स इस्तेमाल होती हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट वगैरह की हमारे पास क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट बने हुए हैं, सेगमेंट 0, 1, 2, 3। अब हर सेगमेंट जो है उसका आप सेगमेंट टेबल में आके देख सकते हो कि लिमिट जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर कोई सेगमेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है
तो इसका मतलब है सेगमेंट टेबल में मौजूद है लेकिन हमारे पास लॉजिकल स्पेस में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक लीगल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वैलिड या इनवैलिड बिट को जो है वो सेट कर दिया जाएगा। तो यही था हमारे पास ये वाला सेगमेंटेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो देख लें कि पेज पेजिंग में जो ब्लॉक साइज है वो फिक्स होता है, सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई सेगमेंट का साइज कुछ है, किसी का कुछ है, वहां पे पेजेस का साइज हमारे पास जो है वो क्या था, सेम था, फ्रेम का साइज सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के पेजिंग मे लीड टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का थोड़ा बहुत खतरा रहता है, सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल का। पेजिंग में कहता है द यूजर स्पेसिफाइड एड्रेस इज डिवाइडेड बाय सीपीयू इनटू अ पेज नंबर एंड ऑफसेट। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो पेज नंबर और ऑफसेट पे मुश्तमिल होता है, और यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट नंबर और ऑफसेट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, या यहाँ पे सेगमेंट लिमिट भी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा हार्डवेयर डिसाइड करता है कि पेज का साइज क्या होगा, और यहाँ पे हमारा प्रोग्रामर जो है वो करता है। ठीक है, लास्ट है कि पेजिंग इन्वॉल्व्स अ पेज टेबल दैट कंटेन्स पेज एड्रेस ऑफ द ईच पेज। तो यहाँ पे पेज टेबल इस्तेमाल होगा जो कि बेस एड्रेस रखेगा हर पेज का, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट टेबल इस्तेमाल होगा, और ये अपने पास क्या रखेगा, ये आपके पास सेगमेंट नंबर भी रखेगा और सेगमेंट की लेंथ जो है वो हमारे पास रखेगा। ये काफी अहम टेबल है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। आखिर में इसी से रिलेटेड काफी ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो मैंने डाले हुए, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है ये मजीद आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। हाँ जी, यही था आपका आज का टॉपिक, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपकी समझ में आया होगा। एक्चुअली जो हम रिवाइज एक तरह से हम ये समझ रहे हैं कि ये सारा चीजें जो है आपकी पढ़ी हुई हैं, हम इनको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, इनको पहली बार नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं काफी ज्यादा इन डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाए कर सकूँ जहाँ तक मेरे। एक बार जो हाँ जी एक बार जो हैश टेबल है उसको प्लीज एक लाइन में बता दें वो क्या है, हैश पेज टेबल जो आपने बताया ना उसको एक बारी बस एक लाइन में बता दें। दोबारा बोलिएगा जल्दी से। सर मैं ये कह रही हूँ कि हैश पेज टेबल, एक इन्वर्टेड पेज टेबल और एक हैश पेज टेबल आपने बताया, तो उसको हैश पेज टेबल को बस एक बारी एक लाइन में बता दें। हैश पेज टेबल जो है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है उस पर हम लगाते हैं एक हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा से बताता चलूं कि हैश फंक्शन में हमारे पास हम एक हैश टेबल बनाया करते हैं, और उस हैश टेबल में हम चेनिंग कर दिया करते हैं, मतलब आगे हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है आमतौर पर। ठीक है, तो हैश फंक्शन में जो भी एड्रेस हमारे पास जनरेट होता है उसका हम किसी ना किसी नंबर से मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ हैश फंक्शन में मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि मैं 10 के साथ उसका मॉडुलस लूंगा। ठीक है, तो जब मैं मॉडुलस लूंगा तो हमारे पास हर पेज नंबर जो है वो हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास असल में लोकेशन बनती जाएंगी, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास अगर 202 आ जाता है तो वो कौन सी लोकेशन पर आएगा, वो इस लोकेशन पर आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे आगे डाल देंगे। अब बिलफर्ज हमारे पास एक और आ गया 302, तो दोबारा से इसका मॉडुलस लिया, तो अब इस लोकेशन पे है तो यहाँ पे तो पहले से लिंक पड़ा हुआ था किसका, 202 का, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे 202 को यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में डाल देंगे, इस नोड में डाल देंगे, 302 का हम क्या करेंगे अगली में डाल देंगे। ठीक है, अब हर जो नोड है हमारे पास वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होगी, पहला पेज का नंबर जैसे कि 202, और दूसरा जो है हमारे पास F होगा, और तीसरा हमारे पास जो अगली नोड है उसका एड्रेस हमारे पास पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो चेनिंग बनती जाएगी मुख्तलिफ नोड्स की। अब बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है 202 का, ये नोड जो है वो 302 के लिए है, तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो है वो बिलफर्ज जनरेट हुआ है 302। ठीक है, तो यहाँ पे आए इसका वो क्या करेगा, मॉडुलस लेगा, तो कहाँ पे जाना है जी, 2 वाली लोकेशन पे जाना है, वो 2 वाली लोकेशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी एक लिंक लिस्ट में नोड्स पड़ी हुई है उनको चेक किया जाएगा, क्या 302 जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। अब अगली लिंक लिस्ट पे आ जाएगा, क्या 302 का रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ जी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फ्रेम नंबर को उठाएगा और उसको यहाँ से जो लॉजिकल एड्रेस ने डी जनरेट किया था उसके साथ मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, फिजिकल एड्रेस हमारा बन जाएगा।
जी सर, बहुत सारा शुक्रिया, समझ आ गई है, थैंक यू सो मच।